नमस्कार दोस्तों। पूरे भारत भर में कई तरह की बढ़िया बनाई जाती हैं, जो हरी सब्जी का सेकंड ऑप्शन होती है। जब हरी सब्जी नहीं होती तो हम वो बढ़िया यूज कर सकते हैं, और हर जगह अलग अलग तरह की दाल से अलग अलग तरह से बनाई जाती है। आज मैं लेकर आई हूं ऐसी ही एक स्पेशल बढ़िया, हिमाचली स्पेशल सेपो बढ़िया। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो सेपो बढ़िया है वो हर छोटे बड़े त्योहार पर और शादियों में खास तौर पर इसको बनाई जाती है। वहां का ये ट्रेडिशनल फूड है, बिल्कुल अलग स्वाद। और उड़द की दाल से बनाई जाने वाली ये बढ़िया वहां की मार्केट में आसानी से मिल जाती है, और अब तो ऑनलाइन भी पूरे भारत भर में मिलती है। तो आइए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं हिमाचली सेपो बढ़िया। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने ले ली है ये 200 ग्राम बढ़िया, बनी बनाई आसानी से मिलती है, जैसे कि मैंने बोला था वो है ये। तो अब मैंने ले ली है लगभग 200 ग्राम के करीब, और इसमें डाल दे रही हूं मैं 2 से 3 ग्लास जितना पानी। और अब हम इस बढ़ियों को पानी में डुबाकर लगभग 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। अब जब तक दोस्तों हमारी वड़ियां पानी में भीग रही है, तब तक मैंने ले लिए हैं जरूरत के हिसाब से प्याज, टमाटर, लहसुन और हरा मिर्च। लहसुन छील लेंगे, प्याज के छोटे टुकड़े काट लेंगे छिलके उतार कर, और टमाटर को भी हम छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। सामग्री है जो सारी कट चुकी है दोस्तों। अब मैंने ले लिया है दोस्तों एक मिक्सी का जार, जिसमें सबसे तो पहले मैं डाल दूंगी ये हरे मिर्च और लहसुन जो था वो, और उसके सिवा अब ये जो प्याज और टमाटर दोस्तों मैंने काट रखा था वो भी हम इसमें सारा का सारा सबसे पहले तो डाल देंगे, और उसके बाद अब हम इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। सामग्री जो है दोस्तों वो हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से पिस चुकी है। अब हम कर लेते हैं तड़के के लिए तेल गरम। तड़के के लिए दोस्तों सबसे पहले मैंने रख दिया जो कढ़ाई में तेल, वो जैसे ही गरम होता है तो हम डाल देंगे सबसे पहले 1/2 चम्मच भर कर हींग और 1 चम्मच भर के जीरा। दोनों चीजों को अच्छी तरह से चटक लेने देंगे। जैसे ही हींग जीरा चटक जाता है तो हमने जो पीस के रखी थी वो सामग्री इसमें हम सारी डाल देंगे। सब कुछ डालने के बाद फ्लेम जो है वो हम हाई ही रखेंगे, इसमें चम्मच की मदद से अच्छी तरह से चला लेंगे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट तक इसको पकने देने के बाद सबसे पहले हम डालेंगे स्वाद के अनुसार मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार ही डाल देंगे हम इसमें नमक, 1 चम्मच जितना धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और दोस्तों 1/4 चम्मच ही हम डाल देंगे इसमें गरम मसाला। अब सारी सामग्री को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्लेम आप इस वक्त मीडियम कर लीजिए, और इसको अब हम चला चला कर तब तक पका लेंगे जब तक कि मसालों से तेल जो है वो अलग नहीं हो जाता। अब जब तक दोस्तों हमारे मसाले जो पक रहे हैं, तब तक हमने ये जो वड़ियां पानी में भिगा कर रखी थी तो उसका पानी जो है वो भी हमको फेंकना नहीं है, यूज हो जाएगा। तो वड़ी का सारा पानी जो है वो मैं ये जो मिक्सी का जार जिसमें मैंने मसाले पीसे थे उसमें डाल दे रही हूं, ताकि ये पानी जो है वो सब्जी पकाते वक्त काम लग जाएगा। सिर्फ 1 से 2 मिनट का समय लगा दोस्तों, और जैसे कि आप देख रहे हैं मसालों से तेल जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से अलग हो चुका है। अब इस वक्त दोस्तों हम इसमें कोई एक दूसरी सब्जी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग इसमें हरे मटर जो होते हैं वो डालते हैं, और कुछ लोग इसमें आलू डालते हैं। आलू के साथ भी अच्छी लगती है और मटर के साथ भी। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कटोरी छोटी वाली हरे मटर। अच्छी तरह से अब इस वक्त हम मिक्स कर लेंगे इसको, और अब हमने जो वड़ी वाला पानी मिक्सी के जार में डालकर रखा था उस पानी को हम इसमें डाल देंगे। अगर आप रोटी से खा रहे हैं तो इसमें पानी की मात्रा कम रखें, लेकिन हिमाचल में खास तौर पर ये चावल के साथ ही खाई जाती है,
चाहे वो जीरा राइस हो या बॉयल राइस। तो यहाँ पर हम इसका पानी थोड़ा सा और बढ़ा देंगे क्योंकि हमको भी ये चावल के साथ ही खानी है। ये दोस्तों मैं 2 ग्लास पानी इसमें और ऐड कर देती हूँ। और पानी डालने के बाद अब हमने ये जो वड़ियां भिगो कर रखी थी वो सारी की सारी हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस वक्त नमक भी हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे, अगर कम है तो थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। और अब हम इसको ढक्कन से ढक देंगे और लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे पूरे 15 मिनट के लिए। लगभग 15 मिनट तक पकने देने के बाद जब हम ढक्कन खोल के देखेंगे दोस्तों, तो हमारी ये जो वड़िया है वो बिल्कुल अच्छी तरह से, जैसे कि आप देख रहे हैं, पक चुकी है। और इसमें जो पानी डाला था वो पानी भी ग्रेवी और वड़ियों की मदद से काफी गाढ़ा हो चुका है। एक एक वड़ी जो है वो काफी अच्छी तरह से फूल चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसको चम्मच की मदद से जब हम काटेंगे तो बहुत ही आसानी से ये कट जा रही है, मतलब ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है। गैस जो है वो इस वक्त अब हम बंद कर देंगे। लास्ट में दोस्तों हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और साथ ही में डाल देंगे थोड़ी सी अदरक की बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई कतरन। सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरह से दोस्तों हम इसमें मिक्स कर देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं काफी गाढ़ी गाढ़ी और रसीली सी हमारी हिमाचली स्टाइल की सेपो बढ़िया बनकर रेडी है दोस्तों। अगर आपने मटर नहीं डाले हैं तो यहाँ पर आप आलू भी डाल सकते हैं। अगर आपको आलू भी नहीं डालना है तो आप इसको अकेली भी बना सकते हैं क्योंकि ये हर हाल में बहुत ज्यादा अच्छा स्वाद देती है। वड़ी हमारी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं ये दिखने में जितनी स्वादिष्ट लग रही है, वाकई इसका स्वाद होता भी उतना ही स्वादिष्ट है। बिल्कुल हटके टेस्ट वाली हिमाचल की स्पेशल सेपो वड़िया रेसिपी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है दोस्तों। अपने आप में दिखने में काफी खूबसूरत, बेहद अलग सा स्वाद। तरह तरह की वड़िया आपने खाई ही होंगी दोस्तों, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल अलग होता है और बहुत ज्यादा ही अच्छा होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये जो रेसिपी है हिमाचल स्पेशल सेपो वड़िया की वो पसंद आई होगी। तो प्लीज बनाइए, जहां पे भी मिल जाए वहां से मंगवा कर खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए। और हाँ, मेरे इस रेसिपी को हो सके इतना औरों के साथ शेयर करिए। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया।